वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। साहिब सदर, अल्फाज को खूबसूरत मोती की माला पहनाने के लिए आज मुझे जिस मौजू के बारे में इजहार ख्याल करने का मौका मिला है वो है उस्ताद का आलमी दिन। साहिब सदर, बचपन के दिनों में हाथ पकड़कर कलम चलाने का अंदाज बताने का जिक्र हो या लड़कपन में व्हाइट बोर्ड पर रियाजी के फॉर्मूले सिखाने का हुनर हो, कॉलेज के अयाम में अच्छी जिंदगी गुजारने की नसीहतें हो या कामयाब इंसान बनने का फन हो, उस्ताद ही वो रिश्ता है जिसको पाके कोई अफलातून बना, कोई सुकरात बना, कोई आइंस्टाइन बना तो कोई न्यूटन बना। ये भी सच है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तुलबा को बादशाह बना देता है। साहिब सदर, वैसे तो हर दिन ही टीचर्स का दिन होना चाहिए मगर साल में आने वाला ये एक दिन बिलखसूस इस यस्सी के नाम मंसूब कर देना इसकी मेहनत और लगन के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह उस्ताद मोहतरम की याद और इस बेमिसाल हस्ती के फैज से जारी चश्मों का जिक्र करके हम भी चंद बूंदों से खुद को सैराब कर लेते हैं। वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं जौहर, वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं जौहर, जो अपनी जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। साहिब सदर, इस दुनिया में उस्ताद मोहतरम की इज्जत करने वाले दर हकीकत दुनिया और आखरत का हर खजाना समेटते हैं। उस्ताद ही वो रिश्ता है जो मिट्टी को सोना और सोने को कुंदन बनाता है। यकीन जाने, उस्ताद ही वो अजीम रिश्ता है जो हमें उठने बैठने खाने पीने से लेकर मुहज्जब मुआशरे में जीने का हुनर सिखाता है। उलूम फनून की बात हो या फन अदब की, उस्ताद की मौजूदगी हर जगह लाजम व मलजूम है। उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे, इन्हीं से हैं अफराद ज़ियाबार हमारे। और साहिब सदर, आज 21वीं सदी में इंटरनेट का दौर है, हर तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी की मांग है, हर इंसान रात दिन इंटरनेट मोबाइल और कंप्यूटर की ईद गा रहा है। मेरी जाती राय में आज सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि किरदार की तमीर में किसी किस्म की कमी ना रह जाए और किरदार की तमीर में उस्ताद के वजूद की मरहूम मिन्नत है। मैं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है कहीं पर कितना उठ जाए वहां से।